कहा जाता है कि शिक्षा बहुत कमज़ोर होती जा रही है, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? शहरी, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। आप देखिए, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो हम गुलाम कैसे हुए थे, इसके पीछे भी सारा शिक्षा का ही एक्चुअली मेन जो मुद्दा था वो यही था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने देख लिया था कि हमारा जो जज्बा है, हिंदुस्तानी भारतवासियों का जो जज्बा है, बहुत गजब था। तो उन्होंने भी ये चाल चली थी कि अगर हमने भारत पर कब्जा करना है या भारत को गुलाम बनाना है तो इनकी शिक्षा प्रणाली को तोड़ना पड़ेगा, इनकी शिक्षा को तहस नहस करना होगा, तभी ये अपनी उससे सोच से थोड़ा सा दूर जाएंगे। और उनके जाने के बाद आज 72 साल हो गए, हमने अंग्रेज़ों को तो भगा दिया, हमारी महान हस्तियाँ अपनी कुर्बानियाँ देकर चली गई, अपना बलिदान देकर चले गए, उन्होंने अंग्रेज़ों को तो भगा दिया यहाँ से। लेकिन मानसिकता जो हमारी सरकारों की है आज भी वही है, वही की वही है। और ये भी नहीं चाहते कि देश की शिक्षा को ऊंचा किया जाए या इसको बढ़ाया जाए या इसको सही दिशा में लिया जाए, ये देश की शिक्षा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्योंकि इसका कारण है, अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो देश के लोग जो है ना, वो गुलामों वाली बात रहेगी। अगर शिक्षा हमारी अच्छी होगी तो हम अच्छी समझ रहेंगे, तो इनके खिलाफ़ सवाल खड़े करेंगे, इनके खिलाफ़ हमारा ताकत हमारी खड़ी हो जाएगी, तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जो आज दुकान चला रहे हैं ये राजनीतिक दुकान 72 साल से चला रहे हैं, ये इनकी बंद हो जाएगी। तो यही कारण है कि लगातार हमारी शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से हमें विचार करना होगा और देश की जनता को आगे आना होगा। क्योंकि किसी भी सरकार से या किसी और सिस्टम से या किसी संस्था से हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते शरीर, ये जनता को खड़ा होना पड़ेगा। और प्राथमिकता तो हमारी ये है कि हमें एक अच्छी चुनी हुई सरकार वहाँ भेजनी पड़ेगी। अब देखिए, आज जो सरकार में नुमाइंदे हैं, हमारे संविधान में क्या लिखा है, जनप्रतिनिधि चुन करके हम वहाँ भेज रहे हैं। लेकिन आप देखिए, नज़र उठा के वहाँ आपको कोई भी जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं देगा, वहाँ सारे के सारे पार्टी प्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि वो होता है जिसको जनता अपनी मर्जी से उम्मीदवार बनाए, पहले उसका चयन करे कि हम इनको उम्मीदवार बनाएंगे, उसके बाद उसका चुनाव करें, उसको वोट डाल के उसको चुन कर भेजें। लेकिन आज पार्टियाँ अपने उम्मीदवार थोप रही हैं जनता के ऊपर अपनी मर्जी, क्योंकि पार्टियाँ तो उसी उम्मीदवार को लाएंगी जो पार्टी के लिए काम करेगा। गुंडे बदमाश जो पार्टी के लिए कमा कमा के ला के उनको देंगे, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता की वो भूखी है, प्यासी है, शिक्षा मिल रही है, चिकित्सा मिल रही है, नहीं मिल रही है, उनको कोई लेना देना नहीं। तो वो हमें ये इनकी दुकान बंद करनी होगी शहरी, हमें तुरंत जनता को ये प्रक्रिया अपने हाथ में लेनी होगी, यानी कि उम्मीदवार का जो चयन करना होता है। और यहीं से मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार का भी यहीं से शुरुआत होती है। जो गलत उम्मीदवार आते हैं पार्टियों की तरफ से, जो चुने जाते हैं, आई मीन जिनका चयन किया जाता है, वो चयन ऐसे नहीं होता है, वो शहरी वहाँ टिकटें बेची जाती हैं, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ में टिकटें बिकती हैं। जब वो एक आदमी टिकट खरीद के लाएगा 10 करोड़ की, तो वो ज़रूरी बात है जीतने के लिए वो जनता के अंदर भी गलत काम करेगा, वोटर को भी वो गलत तरीके से पेश आएगा, वहाँ भी रिश्वतखोरी करेगा, और वो फिर जीतेगा। और जीतने के बाद में वो क्या कमाल दिखाएगा वो आप समझ सकते हैं। जिसने इतना पैसा लगाया है तो वो सिवाय पैसा कमाने का कोई काम नहीं करेगा, जनता का कुछ नहीं करेगा। तो हमारी शिक्षा इसलिए ख़राब होती जा रही है क्योंकि नेताओं की इच्छा ही नहीं है कि देश की जनता की प्रगति कराई जाए, उनकी उन्नति कराई जाए, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है। और जो हमारे स्कूल हैं, आप देखिए, प्राइवेट स्कूलों में फिर भी पढ़ाई ठीक हो रही है, सरकारी स्कूलों की हालत तो बहुत ख़राब है। वही अस्पतालों की है, प्राइवेट अस्पताल ठीक ठाक हैं लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। यानी गरीब का बच्चा ना इलाज करा सकता है, क्यों, पैसा उसके पास है नहीं जो प्राइवेट में जाएगा, और सरकारी में इलाज होगा नहीं, और ना ही वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा उसके बस की बात नहीं है, उसका बजट अलाउ नहीं करता, जेब अलाउ नहीं करती। और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई, अब मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि सरकारी स्कूलों की तो प्राइवेटों से अच्छी ही होनी चाहिए क्योंकि सरकार के साधन है, वहाँ पर संसाधन है, लेकिन बहुत दुख है कि वहाँ ना तो स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है ना ही अस्पतालों की तरफ। तो हमारी शिक्षा का स्तर मुझे नहीं लगता है इम्प्रूव होगा जब तक ईमानदार व्यक्ति चुन के नहीं जाएंगे संसद में या विधानसभाओं में, तब तक ये शिक्षा का सुधार होना बहुत मुश्किल लग रहा है। मलिक जी, शिक्षा को बढ़ाने के बारे में आपके विचार क्या हैं, बताएंगे? अब शिक्षा के लिए हमें जो सरकारी स्कूलों का है इनका स्तर हमें ऊंचा करना पड़ेगा शहरी, इनको प्राइवेट स्कूलों के बराबर का दर्जा इनको देना पड़ेगा, जबकि वहाँ सारी सहूलियतें हैं, सारे टीचर हैं, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं इंटेंशन सही नहीं है, स्टाफ की भी नीयत नहीं है कि वो ढंग से उनको पढ़ाया जाए। तो हमें
इनको प्राइवेट स्कूलों के बराबर दर्जा इनका लाना पड़ेगा और उनके ऊपर एक सिस्टम ऐसा लागू करना होगा कि जिसके मतलब एक उनको हमें एक पैमाना देना पड़ेगा कि इस तरीके से पढ़ाई होगी, इसका ये रिजल्ट आएगा, तो मैं ये उसको बेसिक अगर हमको इंसेंटिव्स भी दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि जिसके स्टूडेंट्स का बढ़िया रिजल्ट आएगा, जिस क्लास का बढ़िया रिजल्ट आएगा उसके टीचर को हम कोई ना कोई इंसेंटिव दें, एक कंपटीशन की भावना वहाँ पर आएगी। तो हमें सरकारी स्कूलों की तरफ बहुत विशेष ध्यान देना होगा। और आज हमारी शहरी आप देखिए माँ बाप का भी एक ऐसी हालत हो गई है कि उनको भी बच्चों की तरफ से सिर्फ इतना ही लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ के दसवीं या बारहवीं पढ़ के नौकरी लग जाएं, मतलब शिक्षा को सिर्फ नौकरी तक सीमित करके छोड़ दिया है। शिक्षा हमारी नौकरी तक नहीं है, हम शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं देश को ऊपर उठाने के लिए, देश की तरक्की कराने के लिए। और देश की तरक्की तब होगी जब हमारे पास अच्छे अच्छे इंजीनियर आएंगे, अच्छे अच्छे साइंसदान आएंगे। साइंसदान और इंजीनियर कहाँ से आएंगे? जब शिक्षा अच्छी होगी। हमें शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा, बहुत ऊंचा करना होगा, और इसके लिए स्टाफ को भी हमें अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि उनकी भी मानसिकता जो है आज जो जिस तरफ ढलती जा रही है वो उनकी बदले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।